धन्यवाद महोदय, आपके प्रेरक वचन हम सबके लिए प्रेरणा के सूत्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, वाराणसी के सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के कक्षा 12वीं विज्ञान के छात्र अभिषेक कुमार गुप्ता हमारे बीच हैं और अभिषेक आपसे अपना प्रश्न का समाधान चाहते हैं। अभिषेक कुमार गुप्ता, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता है और मैं कक्षा 12वीं से सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल वाराणसी का विद्यार्थी हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है सर, कि मुझे और मेरे कुछ साथियों को अपनी क्षमताओं के विषय में एवं करियर ऑप्शंस को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। जब इस बारे में सोचते हैं ना सर, कुछ समझ ही नहीं आता। हम पढ़ाई में तो अच्छे हैं सर, पर भविष्य की योजनाओं को लेकर अब तक कुछ तय नहीं किया। सर कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक। महोदय, इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न है। इसी श्रृंखला में अब हमारे साथ जुड़ रही हैं बिहार से जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा जूली सागर, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अपना प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक हैं। मे वी हैव द वीडियो प्लीज। नमस्कार, मैं जूली सागर, वर्ग 11 विज्ञान, जवाहर नवोदय विद्यालय देवती सारण, बिहार की छात्रा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि हम छात्रों की छिपी क्षमता का आकलन कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद जूली। महोदय, एक और प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आयरिन डोमिनिक ऑफ क्लास 9th फ्रॉम कार्मल पब्लिक स्कूल केरला इज हियर विद अस एंड सीक्स योर गाइडेंस। आयरिन, अपना प्रश्न पूछिए। गुड आफ्टरनून ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आई एम आयरिन डोमिनिक स्टडीइंग इन क्लास 9 ऑफ कार्मल पब्लिक स्कूल एंड आई एम फ्रॉम केरला। माय क्वेश्चन इज, वी हैव टू चूज अ राइट करियर, सो हाउ विल वी रियलाइज अवर इनर पोटेंशियल, काइंडली गाइड अस सर, थैंक यू। थैंक यू आयरिन। माननीय महोदय, जूली, अभिषेक और आयरिन अपनी प्रतिभा व जीवन लक्ष्य के मार्गदर्शन चाहते हैं, कृपया कृतार्थ करें। सवाल बड़ा गंभीर सा है आपका, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है खुद को जानना। मुझे एक पुरानी घटना याद है। एक बार एक लायंस क्लब के लोगों ने मुझे स्पीच के लिए बुलाया था, ये करीब 40 साल पुरानी घटना होगी, और उन्होंने फिर चिट्ठियाई जैसा उनका रहता है कि आप अपना परिचय भेजिए। तो उस कार्यक्रम में मैं वक्ता था और एक चार्टर्ड वो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, उनको भी चिट्ठी गई कि आप अपना परिचय भेजिए। तो उन्होंने कोई 10 पेज का अपना बायोडाटा भेजा था, उन्होंने कब काम किया। मुझे आया तो मैंने एक पोस्टकार्ड लिखा था कि आपने मेरे विषय में जानने के लिए कहा है, मैं खुद को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अभी कुछ बता नहीं पाऊँगा। और वहाँ मज़ा ये हुआ कि उनका परिचय पढ़ने में कोई 10 मिनट गया और मेरा परिचय पढ़ने में 10 सेकंड भी नहीं गया। ये बात सही है कि खुद को जानना बहुत कठिन होता है, लेकिन जानने के तरीका क्या हो सकता है? जानने का तरीका ये होता है कि अगर हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, प्रोटेक्टिव लाइफ में से बाहर आते हैं और खुद को कहीं ना कहीं चैलेंज मोड में ले जाते हैं, तब पता चलता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये करने की मेरी क्षमता या है या नहीं है। दूसरा, हम ये सोच सकते हैं कि एक सप्ताह भर के अंदर हम देखें, अगर हम थोड़ी डायरी अपनी बना दें कि इस सप्ताह में मेरे मन से कौन से काम किए, फिर देखें कि उसमें सबसे ज़्यादा आनंद आया वो काम कौन सा था, कम आनंद आया वो काम कौन सा था, अच्छा यार बेकार में मैं क्यों ये करने चला गया। आप अगर साल भर अपनी ऐसी डायरी मेंटेन करें तो आपको खुद को पता चलेगा कि मेरा एप्टीट्यूड ये है, मुझे ये अच्छा लगता है, इसको मैं ठीक से कर सकता हूँ और इसमें आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
थोड़ा अपने आप में। अब जैसे आज आपने देखा होगा कि आज हमारे, मैं डिपार्टमेंट के लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने स्कूल के छात्रों को आज इस पूरे प्रोग्राम को संचालन करने का अवसर दिया और बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। अब संभावना है कि आज के बाद उनमें से किसी को विचार आएगा, ये काम मैं कर सकता हूं। टीचर उनके होंगे, उनको भी लगेगा अब जब भी स्कूल में फंक्शन होगा इनको खड़ा करेंगे। मतलब एक अवसर मिला, उसने अपने आप को तैयार किया, अब उसका आत्मविश्वास बन जाएगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। होगा कि नहीं होगा? ये कार्यक्रम के पहले शायद उसने सोचा नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूं, लेकिन आज के बाद जरूर सोचेगा कि मैं ये भी कर सकता हूं। हो सकता है कि वो इसी को अपना प्रोफेशन बनाना तय करे, तो आप देखेंगे वो 500 चीजें पढ़ेगा, बड़े साहित्य की चीजों की नोट बनाएगा और सोचेगा कि मुझे इस प्रकार के फंक्शन में जाना है तो ये बोलना चाहिए, इस फंक्शन में जाना है तो ये बोलना चाहिए। ये तैयारी करेगा कि नहीं करेगा? मतलब उसने अपने सामर्थ्य को जाना कि नहीं जाना? आपके जीवन में भी ऐसे कई अवसर आते होंगे जब आपको कभी न कभी मौका मिला होगा। अगर आपके उसमें सफलता का आपको फीलिंग आता है कि हाँ मैंने ठीक किया, तो आपने उसको नर्चर करना चाहिए, आपने उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आप सरलता से कर पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। दूसरा, कैरियर का अपना महत्व होता ही होता है। हर कोई न साधु बन सकता है न फकीर बन सकता है, हर एक को कुछ ना कुछ जिम्मेवारियां संभालनी होती है, और कभी कभी उत्तम तरीके से जिम्मेवारियों को संभाल करके भी हम देश की उत्तम सेवा कर सकते हैं। और इसलिए जीवन में कैरियर का महत्व उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि वो ये करता है इसलिए अच्छा है, चूंकि वो ऐसा करता है इसलिए अच्छा है, तो चलो मैं भी ये कर लूं, तो फिर निराश होने के अवसर बहुत आते हैं। लेकिन मेरे में ये ताकत है। अब आप देखिए, किसी माँ बाप में कोई बच्चा ये कहे माँ मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, बेटा अगर किचन में चला जाए माँ कैसे पकाए, तो शुरू में तो माँ को अच्छा लगेगा, चलो मदद कर रहा है, बाद में माँ चौंक जाएगी, ये तेरा काम है क्या, जाओ पढ़ाई करो, तुमको किचन में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन उसको मालूम है कि मेरे अंदर ये विधा है, और मानो ये बड़ी मेहनत करके बहुत बड़ा शेफ बन जाए, तो वही माँ कहेगी छोटा था ना मैंने तैयार किया था। कोई काम बुरा नहीं होता है जी, ये बात सही है। उस कालखंड के अपने साथियों को लगेगा क्या यार दो दो घंटे किचन में पड़ा रहता है, लेकिन हो सकता है ये छोटी सी रुचि भी उसके जीवन को बदलाव दे सकती है जी। और हो सकता है उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव हो तो एक अच्छा सेफ होगा, और फिर कि मैं सिर्फ बच्चों के न्यूट्रिशन पर ही काम करूंगा, बच्चों को क्या खाना चाहिए कैसे पकाना चाहिए वो बताइए, वो कितना बड़ा सोशल सर्विस करता हो जाएगा। एक कैसे कैसे राह से गुजर करके जिंदगी को जी सकता है। दूसरा, और एग्जाम देनी होती है, हिम्मत के साथ देनी चाहिए, एग्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए, डरना ही नहीं चाहिए, खुद को कसते रहना चाहिए। जिंदगी में अगर एकाध एंट्रेंस टेस्ट में रह गए तो क्या हुआ, लाखों लोग देते हैं कुछ लोग रह जाएंगे, तो इतना बड़ा टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। हमने डर के कारण पैर न रखे, इससे बुरा कोई अवस्था नहीं हो सकती है। हमारी मनस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी भी हालत में डगर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। एक बार विफल होंगे तो उसमें से सीखेंगे, दूसरी बार करेंगे। ये मिजाज तो विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए। और विद्यार्थी काल का विषय नहीं है, 24 साल तक हो गया 25 साल तक हो गया विद्यार्थी ऐसा नहीं है, जीवन भर भीतर के विद्यार्थी परिषद को विद्यार्थी को जीवित रखना चाहिए। कभी भी 80 साल की उम्र में भी विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देना चाहिए, जिंदगी जीने का यही उत्तम मार्ग है। नया नया सीखना, नया नया जानना, नया नया पहचानना,
धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य, मनोरम पर्यटन स्थल झारखंड से कक्षा 12वीं की निशा अग्रवाल अपना प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हैं। कुड वी हैव द क्वेश्चन प्लीज। कक्षा 12वीं संदन लाल स्मृति विद्या मंदिर घाटशिला झारखंड की छात्रा हूँ। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से यह सवाल है कि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, साथ ही साथ मैं UPSC, JEE और PMT जैसे एग्जाम्स के बारे में भी सोचती हूँ, लेकिन इन एग्जाम्स में कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती है। कृपया इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। धन्यवाद निशा। मान्यवर, आपका कोटि कोटि आभार कि आपने हमारे मन के अनेकानेक प्रश्नों एवं हमारी जिज्ञासा का समाधान किया। आप जैसे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री को सुनकर जी ही नहीं भरता, फिर भी आपके अमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए परीक्षा पर चर्चा 2020 के अंतिम प्रश्न हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ 5 नदियों का प्रदेश, गुरुओं की भूमि, पंजाब के GGSE मलुका भटिंडा से अरदीप 12वीं की छात्रा को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने प्रश्न का समाधान चाहती हैं। अरदीप, अपना प्रश्न पूछिए। सत श्री अकाल सर, मैं अरदीप कौर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलुका, 12वीं कक्षा की छात्रा, पंजाब से हूँ। सर, मैं बोर्ड के एग्जामों में तो अच्छे अंक ला सकती हूँ, लेकिन सर जब बात कॉम्पिटिशन एग्जाम की आती है तो मैं चिंतित हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। इस विषय में मैं आपसे सलाह लेना चाहती हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद अरदीप। महोदय, अरदीप व निशा की जिज्ञासा पर मार्गदर्शन करें। सत श्री अकाल। मेरा आप सब से आग्रह है, इसलिए नहीं कि वो किताब मैंने लिखी है, लेकिन जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनसे मैं जरूर आग्रह करूँगा कि हो सके तो इसी 2 दिन में आप परीक्षा पर चर्चा, एग्जाम वॉरियर मेरी जो किताब है, एक्चुअली वो मेरी नहीं है, आप ही लोगों के द्वारा धीरे 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 पनपती जा रही है वो किताब, नए नए पहलू जुड़ जाते हैं, आप लोग उसको 2 बार पढ़िए, आने वाले 2-3 दिन में 2 बार पढ़िए, आपको कोई सवाल नहीं रहेगा कि 12th तक तो अच्छा करने के बावजूद भी आगे के एग्जाम का तनाव रहता है। ये तनाव किस चीज का है? तनाव आपको माइन्यूटली, और मैं मानता हूं जो 12th के बच्चे हैं उसको समझ सकते हैं बड़ी अच्छी तरह, ये तनाव एग्जाम का नहीं है। जो तनाव आप अनुभव कर रहे हैं और जिसको आप एग्जाम का तनाव कहते हैं, वो एग्जाम का तनाव नहीं है। वो तनाव आपके अंदर एक मन में एक एम्बिशन पड़ा हुआ है, एक आकांक्षा पड़ी हुई है कि मुझे ये बनना है। उस बनने के लिए ये एग्जाम मेरे लिए जीवन मरण का मुद्दा है। मैं विफल रहा या विफल रही तो आगे के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपको एग्जाम की सफलता का टेंशन नहीं है, आपने खुद को एक करियर के साथ जो आइडेंटिफाई कर दिया है, मुझे ये बनना है, बनने के लिए ये रास्ता है, इस रास्ते पर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं शायद जीवन में निकम्मा हो जाऊंगा, ये टेंशन है। अगर आप एग्जाम वॉरियर किताब पढ़ेंगे तो उसका बहुत सरल उसमें जवाब है कि आप, और मैं अपने जीवन के लिए हमेशा कहता हूं कि हम कभी भी बनने के सपने न पालें। बनने के सपनों में हर पल निराशा की संभावना रहती है कि हमने ये बनना चाहा, नहीं बन पाए तो जैसे जीवन की विफल। लेकिन अगर कुछ करने के सपने देखें तो जो भी करेंगे उसे अच्छा करने का मन करेगा, और इसलिए जीवन को
बनने के सपनों से जोड़ने के बजाय कुछ करने के सपनों से जोड़ना चाहिए। अगर कुछ करने के सपनों से जोड़ोगे, कुछ करने के सपनों से जोड़ोगे तो आपको कभी भी ये एग्जाम का प्रेशर नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक खिड़की है, एक दरवाजा है जो आगे जाने के लिए रास्ता खोल रहा है, लेकिन आगे जाकर के एक ही रास्ता नहीं है, ढेर सारे रास्ते हैं, अनेक क्षेत्र हैं। पूरा विश्व मेरे सामर्थ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर ये मिजाज रहा तो मुझे विश्वास है कि आपको इसका तनाव कोई नहीं रहेगा। मैं फिर एक बार एचआरडी मिनिस्ट्री का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के स्कूलों का धन्यवाद करता हूं, विशेष करके सभी टीचर्स का धन्यवाद करता हूं। मैं सभी अभिभावक का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लगातार इस परीक्षा पर चर्चा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ी मदद की है, इसको आगे बढ़ाया है, और हिंदुस्तान के सभी राज्यों ने एक सकारात्मक भाव से इसको जोड़ा है। मैं आप सब भी जब यहाँ आए हैं, मेरे सामने एक नया भारत है मेरे सामने, हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए बच्चे यहाँ हैं। भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा तब आप नेतृत्व आपके हाथ में होगा, ऐसे मेरे सामने लोग हैं। और अगर आज से 30-40 साल के बाद जब आप सफलता को चूमते होंगे और मैं अगर जीवित हूं और कहीं मिल जाऊंगा तो मैं बहुत गर्व से कहूंगा कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं आज जो इस व्यवस्था का लीडरशिप दे रहे हैं, इस परिस्थितियों को बदलने के काम कर रहे हैं, इस लैब के अंदर नई नई चीज़ें दुनिया को दे रहा है, वो लोग हैं जिनको कभी 2020 में 20 जनवरी को मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। मैं गर्व अनुभव करूंगा कि आपके हाथ में जब देश का नेतृत्व होगा, और मैं गर्व से कहूंगा हाँ यार, मैंने बहुत पहले इनको कभी देखा था, मेरे जीवन का इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है। इसी संतोष और विश्वास के साथ, परीक्षा जिंदगी नहीं है, जिंदगी में परीक्षा एक मुकाम है, उससे अधिक प्रेशर न रखते हुए, और जब आज देश के लाखों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, करोड़ों बालक और दुनिया के भी कई बालक इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सब से मैं यही कहूंगा कि हम एक पूरे विश्वास के साथ आने वाला कल आपका है, आपके पुरुषार्थ और परिश्रम से आने वाला कल हिंदुस्तान का है, और उसी विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े। मेरी आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। आप में से बहुत से बालक हैं, ज्यादातर यही सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन बहुत से बालक हैं जिनको शायद घर से निकले होंगे, तब तो टीवी इंटरव्यू भी दिया होगा कि हम पीएम को पूछने के लिए जा रहे हैं, हम ये सवाल पूछेंगे, लेकिन सबको मौका नहीं मिला होगा। मैं इसके लिए आपकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि समय सीमा के कारण शायद सबको अवसर नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आपकी भावनाओं को समझता हूं, आपके सवालों को पढ़ता हूं, और हर पल आपसे जुड़े करता रहता हूं, आगे बढ़ूंगा। इसी एक भाव के साथ फिर एक बार आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा पे चर्चा के जरिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अनुभव और टिप्स छात्रों के साथ शेयर किए। बीन एन इंटरैक्टिव सेशन विद स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड इंडीड अक्रॉस द वर्ल्ड। सीरियस
ये प्रोग्राम के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अभी मुल्क भर के बच्चों के सवालात के जवाब दिए। तलबा को बताया कि बोर्ड के इम्तिहानात के दौरान किस तरह से स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं बच्चे, किस तरह से टेंशन फ्री होकर अपने इम्तिहानात दे सकते हैं। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुनाकिद किया गया था। बड़ी तादाद में तलबा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। मुल्क भर से 2000 बच्चों को चुना गया, 2000 बच्चों का इंतखाब किया गया एक कंपटीशन के जरिए, एक मुकाबले के जरिए। ऐसे लिखने का ये मुकाबला था जिन्होंने सीधे स्टेडियम में पहुंचकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से रूबरू होकर बात की, उनसे अपने सवालात पूछे। इसके अलावा 15 करोड़ बच्चे मुल्क भर से आज वजीर आजम के साथ इस प्रोग्राम में जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी इस प्रोग्राम के लिए। वजीर आजम ने बड़े इत्मीनान के साथ तमाम तलबा के सवालात का जवाब दिया और बताया कि किस तरह से तलबा एग्जामिनेशन सेंटर में स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं, टेंशन से दूर रह सकते हैं और टेंशन फ्री होकर इम्तिहानात में बैठ सकते हैं। तलबा ने खुलकर अपने सवालात पीएम के सामने रखे, किस तरह से एग्जाम दे, कैसे तैयारी करें, किस तरह से एग्जाम सेंटर की तरफ रुख करें कि तलबा के जहन पर किसी किस्म का कोई दबाव ना हो। इसके अलावा अपने करियर के मुतालिक भी कई तलबा ने वजीर आजम से सवालात पूछे और पूछा कि हम ये कैसे पहचाने कि हमारे अंदर क्या हुनर छुपा है। और यहां से सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। दिल्ली के सीएम केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। इंतखाबात बिल्कुल सर पर हैं और इस सिलसिले में एक रोड शो ये किया जा रहा है दिल्ली में। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल इस रोड शो की क़यादत कर रहे हैं। बीते रोज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गारंटी कार्ड रिलीज़ किया था कि अगले 10 साल तक कामों की गारंटी दिल्ली के लोगों को दूंगा मैं। और अब ये रोड शो आप देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों से। 8 फरवरी को इंतखाब होने हैं दिल्ली में, 11 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं तमाम सियासी जमातों की जानिब से। ये रोड शो आम आदमी पार्टी का आप देख रहे हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल खुद इस रोड शो की क़यादत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े लीडरान इस रोड शो का हिस्सा बने। तो दिल्ली की सड़कों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के वजीर आला मौजूद हैं इस रोड शो की क़यादत करने के लिए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस रोड शो का हिस्सा है। बता दें आपको कि 8 फरवरी को इंतखाब है दिल्ली असेंबली के और बहुत मुमकिन है कि इस बार सख्त मुकाबला देखा जाएगा तमाम सियासी जमातों के बीच। ये तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं। काफी भीड़ नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल के इस रोड शो में। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस रोड शो में सीएम केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े लीडरान भी इस रोड शो में शामिल है। तशहीर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल। बड़ा चैलेंज इस बार उनके सामने, पिछली बार की 67 सीटों को बचाकर रखने का। मुकाबला सख्त है काफी दिल्ली में। और ये तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं। रोड शो किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की जानिब से। आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल ने नॉमिनेशन फाइल किया है, अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्शन 2020 के लिए। फिलहाल अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से एमएलए हैं और ये दूसरी बार है जबकि लगातार केजरीवाल नई दिल्ली सीट से जीते हैं। ये रोड शो की तस्वीरें हैं। ये रोड शो करने के बाद अरविंद केजरीवाल आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं नई दिल्ली से। एक बार फिर से पर्चा दाखिल करेंगे अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से। पहले भी लगातार 2 बार एमएलए बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल और ये तीसरी दफा होगा जबकि अपना पर्चा नामजदगी अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से दाखिल करेंगे। रोड शो इसी सिलसिले में किया जा रहा है।
आपको बता दें कि इस सीट पर अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। तो नई दिल्ली सीट के लिए अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से तैयार हैं, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। रोड शो मुकम्मल होने के बाद इससे पहले केजरीवाल वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, यहां उन्होंने आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद ये रोड शो उनका शुरू हुआ है। रोड शो करने के बाद अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे अरविंद केजरीवाल। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी की जानिब से मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से ही एक बार फिर से अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। केजरीवाल इससे पहले भी इसी सीट से एमएलए मुंतखब हुए हैं, फिलहाल भी इसी सीट से एमएलए हैं और अब एक बार फिर से नई दिल्ली सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। सबसे पहले उन्होंने अपनी वालिदा से जीत का आशीर्वाद लिया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी वालिदा से आशीर्वाद लेने के बाद वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर वहां आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद अब रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के बाद अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे नई दिल्ली सीट से एक बार फिर से। तीसरी दफा है जबकि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अरविंद केजरीवाल ने वाल्मीकि मंदिर में दर्शन के बाद फौरन एक ट्वीट भी किया था कि नई दिल्ली के तारीखी वाल्मीकि मंदिर से आम आदमी पार्टी के कई मरहलों की शुरुआत हुई। 2013 में यहीं से हमने सियासी सफ़र करने के लिए पहली बार झाड़ू उठाई थी, सियासी गंदगी साफ करने के लिए पहली बार झाड़ू उठाई थी और आज एक बार फिर भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेकर मैं अपना नामांकन भरने जाऊंगा, मैं अपना नॉमिनेशन दाखिल करने जाऊंगा। ये ट्वीट किया था अरविंद केजरीवाल ने अब से थोड़ी देर पहले। और वाल्मीकि मंदिर जाने से पहले केजरीवाल ने अपनी वालिदा का भी आशीर्वाद लिया। दूसरी बार है जबकि नई दिल्ली सीट से एमएलए चुने गए थे केजरीवाल पिछले इंतखाब में और इस बार फिर से नई दिल्ली सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे हैं।